हेलो दोस्तों, फुटू केमिस्ट्री चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इसमें इस वीडियो में हम मेनली आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। मेनली इस तरीके के सिस्टम होते हैं जो आपके आपके पास कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं किस तरीके से आरएस नॉमिनक्लेचर निकाला जाए। तो इसमें वन बाय वन मैं सबके बारे में डिस्कस करता हूँ और एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, उसी सबका सबका आरएस बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। होता क्या, अगर आपके पास फिशर प्रोजेक्शन होता तो आप उसमें इजीली पता कर पाते हैं कि भाई फिर 1 2 इस तरीके से 3 4 प्रायोरिटी दे के आप यूं बता देते हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसा है, अगर ये क्लॉकवाइज है इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से हुआ तो वो आर है। तो इस तरीके का सिस्टम होता आप आसानी से बता पाते हैं कि वो आर है कि एस है। इसमें भी रूल होता है कि जो आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी होता है वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो जो आपकी प्रायोरिटी आई उसके उसको रिवर्ट कर दो। और प्रायोरिटी कैसे दे वो देखिए, प्रायोरिटी जो होता है हैवियर एलिमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब अगर बात की जाए हैवियर एलिमेंट की बात कैसे करें, आपको सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होता है। अगर मैं ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करूं तो ब्रोमीन को आप प्रायोरिटी देंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे, फ्लोरीन को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, मिथेन को इस आप प्रायोरिटी देंगे इथेन से, मिथाइल इथाइल से। मतलब आपको फर्स्ट वाला देखना होता है। अगर इस तरीके से SO3 है, SO3 है, ये आपको प्रायोरिटी जाएगा, Cl को प्रायोरिटी जाएगा। तो आपको प्रायोरिटी देखने के लिए बस उनके मोलर मास देख लो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखा जाता है मोलर मास, अगर जिसका मोलर मास ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें जो मेन है उस पे आते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है वेज डैश। वेज डैश इसमें देखिए क्या होता है, आपके पास इस तरीके से सिस्टम होता है। जैसे आपके यहाँ पे एच लगाओ, ये Cl है, ये Br है और ये CH3 है। आपको क्या करना है, जो आपका जी ये हम जान रहे थे ये डैश पे ये अबव द प्लेन, ये वाला Cl जो अबव द प्लेन और एच है बिलो द प्लेन, तो आपको इधर से यहाँ से विजुअलाइजेशन करना होता है। आप हमेशा ये सोच देखिए कि जो प्लेन में है वो वहां से विजुअलाइजेशन करिए और ये अबव और बिलो द प्लेन हो जाए। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो द प्लेन हुआ, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो द प्लेन होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वही रहेगी, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन होता है तो प्रायोरिटी को कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट करना होता है। इसमें देखिए, इसमें अगर प्रायोरिटी की बात करें तो ब्रोमीन को पहली प्रायोरिटी जाएगी, उसके बाद क्लोरीन को जाएगी, इसको उसके बाद चार। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से 1 2 3 4 हमारा जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ है बिलो द प्लेन है एग्जैक्टली, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी अगर अबव द प्लेन होता तो इसका आता है आर आ जाता। दूसरा एलीन का सिस्टम देखें, एलीन ये वाला सिस्टम होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब एक अगर ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे है तो ये वाला डबल बॉन्ड इस तरीके से होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द अदर डबल बॉन्ड। तो इसमें भी जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि आप जो प्लेन में है उधर से देखिए, इसमें भी आप इधर से विजुअलाइजेशन करिए। तो इसमें वन प्रायोरिटी आ गई, सेकेंड इसमें ये होता है कि पहले एक तरफ दे दीजिए फिर दूसरी तरफ, और यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ, और उसी तरीके से देखिए, और ये आपका ये फोर्थ नंबर आपका फिर से बिलो द प्लेन गया और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये भी ऐसे निकल गया। अब बाई फिनाइल में हम बात करें, बाई फिनाइल का अलग ही केस होता है इस तरीके से, ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ये बॉन्ड का रोटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये इसको रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए यहाँ पे कोई बल्कियर ग्रुप लगाया जाता है। इस तरीके से लगा दिया H और यहाँ पे सपोज Cl लगा दिया और यहाँ पे ये H है। अब क्या होता है कि वन ऑफ द ग्रुप वन ऑफ द ये फिनाइल ग्रुप इज
अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन और वन इज द प्लेन। अगर इसको मैं प्लेन में मान लूं तो इसको ऊपर और नीचे मानना पड़ेगा हमें इस तरीके से। ये तो आप इसमें देखिए, आपको फिर से इधर से ही देखना है, इसको वन नंबर, टू नंबर, और ये थ्री नंबर, और ये फोर नंबर। आप ये देख रहे हैं कि जो जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है। अब इस केस में होगा जो भी आपकी प्रायोरिटी आएगी उसको इन्वर्ट करना होगा। तो ये देखिए, ये हमारा एस जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा हो जाएगा आपकी बार आर। इसके बाद हम फोर्थ में देखें स्पायरिन। स्पायरिन इस तरीके का सिस्टम होता है, और इसमें हमारा प्रायोरिटी यहाँ यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसमें भी हमारा एक ग्रुप होता है दूसरे ग्रुप, एक रिंग दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। सपोज अगर ये वाला इस तरीके से है तो ये वाला अबव होगा। तो इसमें फिर से यहीं से देखना है, ये आ गया वन आपका, ये टू, ये थ्री, और ये फोर। इसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी है फिर से बिलो द प्लेन है, तो जो प्रायोरिटी आएगी सेम वही रखना है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं सब में जो हूँ एक जैसा पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, और आसानी से मैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल पा रहा हूँ। इसके बाद चेयर फॉर्म में कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। इस तरीके से आप एक ही प्रायोरिटी, एक ही रूल अपनाइए, और आप आसानी से आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे, जिसमें अक्सर बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूज होता रहता है कि किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करे। चेयर फॉर्म इस तरीके से, यहां पे बात करेंगे ये एक पोजीशन पे निकाल देते हैं, ये वाली पोजीशन जो होती है एक्सियल पोजीशन होती है, और ये वाली पोजीशन होती है हमारी इक्विटोरियल। अब इसको हम ये बस इस तरीके से मानते हैं, ये वाली चीज को उठाते हैं, यहां पे हम आरएस, ये सपोज ओ एच है और ये एच है, और यहाँ पे हम, और सब यहाँ पे भी लगा लो ओ एच आ गया। इस वाले पोजिशन पर हम फाइंड करना चाहते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इसको इस तरीके से उठाइए, ये चीज है आपके पास, और ये क्योंकि अप साइड है तो इसको मानिए अबव, और ये नीचे है तो इसको मानिए बिलो, एच ओ एच, और इधर आपके इस वाले पोजिशन पर ओ एच लगा हुआ है, और यहाँ पे तो ये कार्बन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ कार्बन, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद इन दोनों में इधर ये तीन और ये फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आ रहा है वन टू थ्री फोर, ये हमारा फोर्थ प्रायोरिटी, क्योंकि बिलो द प्लेन है इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन आया वही रहेगा आर। इस तरीके से हमने स्पायरेन का देखा, बाइफिनाइल का, वेजडेस एलीन, और चेयर फॉर्म का, और साइक्लोहेक्सेन और चेयर फॉर्म एक ही बात है। तो इस तरीके से आप किसी भी में ही निकल सकते हैं। और भी केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।